बदलते दौर की बात करें तो जहां बेटियां तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही हैं, माता पिता की सपोर्ट से वे नई नई कीर्तिमान हासिल कर रही हैं, वहीं अब बहुएं भी कम नहीं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मेट में जो अभी ये पीसीएस जे का रिजल्ट आया है उसमें मेट की बहू ने परचम लहराते हुए अपने माता पिता के साथ सास ससुर का भी नाम रोशन किया। उनकी इस कामयाबी में उनके जो ससुराल है उनका भरपूर योगदान है। ऐसे में आज हमारे साथ खुद दिव्या गर्ग हैं, हम तो जानना चाहेंगे किस तरीके से फैमिली का सपोर्ट मिला, क्या कहना चाहेंगे। आज हम देश में देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आ रही हैं कि सास ससुर सपोर्ट नहीं करते, हस्बैंड वाइफ को लेकर भी मन मिटाते हैं, और आपके तो पूरी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया, क्या बताना चाहेंगे। अगर आप सही हो तो सब भी सपोर्ट करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ बेटा कर सकता है या बेटी कर सकती है तो वो सपोर्ट जरूर करते हैं। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि वो सपोर्ट ना करें, बट थोड़े टाइम बाद फिर वो सपोर्ट करने लगते हैं कि हाँ लगता है कि हाँ चलो बच्चा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसके बाद तो उन्होंने सपोर्ट करा ही सबने कि हाँ ठीक है निकाल देगी, हो सकता है शायद निकाल दे। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि आपकी जो एजुकेशन है वो भी सभी कंप्लीट यही हुई है, उसके बाद तैयारी की है, बता रही कि अपने अपने इसमें कितनी कठिनाइयाँ होंगी, किस तरीके से इन कठिनाइयों को पार करा, परिवार का कितना सपोर्ट मिला। मैंने जैसे शादी करी थी तो मैं लॉ कर रही थी उस टाइम, तो लॉ करने के दौरान मेरी शादी हो गई, उससे पहले मैंने MBA करा था, तो उसके बाद हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट करा, उन्होंने बोला PCSJ का तुम एग्ज़ाम दे सकती हो, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो मेरा एक बेटा भी है, मैंने 2018 में भी अटेम्प्ट किया था बट मेरा बेटा हो गया था, इस वजह से मैं प्रॉपर दे नहीं पाई थी। इसके बाद 2022 में वैकेंसी आई तो मैंने दिया, फिर एग्ज़ाम दिया, और मेरी वैसे नेक्स्ट मंथ डिलीवरी भी है, उसमें बहुत टिपिकलनेस हुई, मेंस लिखने में बहुत टिपिकल हुआ और इंटरव्यू देने में मेरे को बहुत टिपिकल हुआ, तो मतलब बट मैंने कोशिश नहीं हारी। आप कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहो और आपको बिलीव है कि आपकी फैमिली भी सपोर्ट करे, और अपने आप पे भी बिलीव होना चाहिए कि आप निकाल सकते हो, आप कर सकते हो, जब सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सोसाइटी के बारे में अगर ज़्यादा सोचोगे, सब ये कहते थे कि लॉ कर रही है बहू, अरे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के, अगर पर उसका सपोर्ट था, मदर इन लॉ का सपोर्ट था कि हाँ लॉ कर रही है कोई बात नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखा जाएगा। तो इसमें ये सोचना चाहिए कि फैमिली को भी थोड़ा समझाना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, और उन्होंने भी सपोर्ट करा, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे समाज में बातें चल रही हैं बहुत तरह तरह की लेके, लेकिन अगर विश्वास और सफलता, मतलब मेहनत अगर आप करते रहेंगे और विश्वास आपके पीछे बना रहेगा तो सफलता मिलती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, इसलिए मेहनत करते रहिए, न लड़कियां कम न लड़के कम। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बताएंगे डिलीवरी भी होनी है तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हस्बैंड को भी काफ़ी काम करने पड़ते थे, वो कोशिश करता था। एक्चुअली मैं अपने बिजनेस की वजह से ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाता था, लेकिन जितना भी टाइम मिलता था अपना बेटे के लिए अपने परिवार के लिए देता था, लेकिन मम्मी पापा का ज़्यादा सपोर्ट था तो इसलिए शायद ये आज सफल हैं। जी आपका सपना था कि घर में कोई ना कोई अधिकारी बने, हाँ। जो आप सपना आपका बहू ने पूरा किया, क्या बताना चाहेंगे अपनी बहू के बारे में, क्या खासियत अच्छी है। बहुत मतलब एक खुशी जो होती है वो इसने दी मुझे, इसके लिए इसका मेरे पे बहुत आभार है। क्या मैं उसको बयान तो कर नहीं पा रही कि क्या कहूँ इसे, पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ इसे कि ये बहुत ऊँची तरक्की करे, अच्छा अपना जो भी ये करेगी बहुत अच्छा न्याय करेगी सबके। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ही खुश हूँ जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। बहू ने कामयाबी हासिल की है, कितनी खुशी है। बस खुशी का कोई अंदाजा नहीं है, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा, जिसे सोच नहीं सकते थे एकदम इतनी खुशी मिली है। कि जो ये परिवार का पूरा सपना था, इस सपने को हकीकत में दिव्या ने बदल दिया है। और न्यूज 18 वेट से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।